अच्छा ये बताएं कि टीम में सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ती है? कई देख तो रहे हैं, किसी की तरफ देख रहे हैं? नहीं बेसिकली सारे हम क्योंकि सारे एक दोस्त हैं और टीममेट्स हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड हर चीज़ अच्छी हो, लेकिन सही कह रहा है शेड्डी, हर एक की डांट ये खाता है क्योंकि मोस्टली इसके क्लोज इस चीज़ पे परफॉर्मेंस पे अंदर अगर कोई ढीला नज़र आ रहा हो, क्योंकि ये चीज़ हमने सैफी भाई से सीखी है क्योंकि हमेशा सैफी भाई जब कप्तान थे तो वो हमें डांटते थे क्योंकि हमारे जो दो क्लोज होते थे वो कहते थे इसको देख लो ये क्या कर रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, क्योंकि इमाम की वजह से मैंने बहुत डांट खाई है सैफी भाई से क्योंकि उन्होंने बहुत क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज और कभी कभार वो मैच में कभी नहीं होता था, वो कभी कोई और घूम रहा था तो सैफी भाई मुझे कहते थे बाबर इसको देख ले। दोनों कैप्टन की एक कॉमन चीज़ थी, डांटते मुझे थे, फहीम था, हसन था, फ़खर भाई, आसिफ भाई, तो जब उनको डांटने की बारी आती थी तो वो पहले मुझे डांटते थे कि पहले उनको जाके समझा के। अब बाबर भी वही काम करता है कि अब किसी को भी डांटना हो पहले मुझे डांटता है कि ये क्या कर रहा है, तो यानी सबका गुस्सा आप पे निकलता है। लेकिन मैं इससे सबसे ज्यादा डांट हारिस रौफ ने खाई है अभी तक। ये अभी सिकंदर आप जाएंगे सवाल पूछने तो उनसे भी इसके ऊपर रिएक्शन लेना। उसको अब तरीका आ गया है क्योंकि उसको पता होता है कि जब उसने बैट बॉल किया है ना तो इस बॉल पे मुझे डांट पड़ सकती है, वो खुद ही अपने आप को डांटना शुरू कर देता है। लेकिन मेरा बाल खींचता है अपने, मेरा सबसे ज्यादा प्यार भी उससे है। शाहीन जल्दी से बता दें सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है टीम में? अफरीदी को आता है सबसे ज्यादा। अफरीदी को? लो जी।